एसएम न्यूज ने एक म्यूजिकल प्रतियोगिता लॉन्च की है जो बुद्धम शरणम गच्छामि गाने के लिए है। इसको आप थोड़ा क्लेरिफाई करके समझ लें कि आपको गाना क्या है। बेसिकली दो भाषाएं चलती हैं, एक संस्कारित और एक पाली भाषा। संस्कारित भाषा में अधिकतर लोगों ने बुद्धम शरणम गच्छामि गाया हुआ है। उसमें शय शब्द आता है और हलंत आता है, यानी बुद्धम होगा, शरणम होगा और गच्छामि होगा। गच्छामि सब में सेम है, उसमें शय का इस्तेमाल होता है और हलंत का होता है, यानी कि शब्द बंद हो जाता है, बुद्धम संघम या धम्मम। मगर पाली भाषा में हलंत का इस्तेमाल नहीं होता, वहां अंग का इस्तेमाल होता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यानी से भी होगा और उसमें अंग की आवाज होगी, जैसा मैंने यहां आपको लिख के दिया हुआ है। तो आपने पाली भाषा में गाना है, गाना है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अंग की आवाज गूंजेगी, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं। जो संस्कृत भाषा में उसमें मैं की आवाज गूंजती है, बुद्धं शरणं संघं शरणं धम्मं शरणं, यानी कि बाद में मैं आता है। आपने संस्कृत भाषा में नहीं गाना है, क्योंकि संस्कृत भाषा में टंकार पूरी नहीं आती है। जो अंग की टंकार है वो पाली का सिग्नेचर है, अंग की है। जैसे मेरा नाम है सुधीर, इसको संस्कृत भाषा बोलेंगे सुधीरम, और इसको पाली में बोलेंगे सुधीरंग। तो आपने अपने बाद में जो बिंदी आती है उसमें अंग में बदल जाता है। एक तो ये खास ध्यान आप रखें। दूसरा, इसमें मैंने वीडियो के अंदर आपको दो चीजें और मैं दे रहा हूं साथ में। एक तो इसको आप लोड कैसे करेंगे वो टेक्निक है, और बाद में इसमें दो क्लासिकल म्यूजिक और हैं। एक तरन्नुम बौजी द्वारा गाया हुआ है, जो बड़ी अच्छी फेमस कलाकार है भारत की, उन्होंने बुद्धम शरणामि है उसे आप देख सकते हैं। और एक जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ट्रेडिशनल लोग बुद्धम शरणं गच्छामि गाया करते थे, वो क्लासिकल म्यूजिक है, बड़ा कमाल का है। वो जो शेखर बोधकर हैं यूनाइटेड किंगडम के, जो इंग्लैंड के हैं, उन्होंने ये भेजा है, तो उनकी ये रचना है और बड़ी फेमस है। मैं दोनों ही आपको दे रहा हूँ, आप इसे सीख सकते हैं। इसके अलावा आप बुद्धं शरणं गच्छामि को लाखों तरह से गा सकते हैं, किसी भी गाने की पैरोडी में बना सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसको गा सकते हैं। तो आप इसको गाई है, आपको इनाम मिले या ना मिले, क्योंकि इसमें इनाम भी हैं, 10,000 5,000 2,000 का, किताबें वगैरह भी हैं, चित्र भी हैं। आप इसलिए गाइए क्योंकि धम्म को गाने के लिए भगवान बुद्ध ने जितने भी लोग थे उनके लिए कभी मना नहीं किया। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ईरान से लेके और बर्मा तक सारे लोग, जो संगीत था, जो लोक संगीत था, वो धम्म पे आधारित था। जो भगवान बुद्ध की जितनी शिक्षा थी वो गा के और बहुत अच्छी तरह से बजा के लोगों को सिखाई जाती थी। बौद्ध भिक्खुओं के लिए और भिक्खुणी के लिए गायन नाचन वादन या विभूषण ये मना है, मगर पब्लिक के लिए ये नहीं है। पब्लिक खूब नाटक करे, खूब गाए, खूब जोर जोर से इसको गाए, तो संगीत की जितनी कलाएं हैं और जितना भी प्रकार का संगीत है, आप इस बात को आज अपने बात में यकीन में डाल लें कि ये बहुत प्राचीन है, बुद्ध के समय का है, उससे पहले भी है, क्योंकि लोकगीत तो बहुत पहले से गाए जा रहे हैं और ये भारत की धरोहर है। कुछ लोगों ने इसको संस्कृत करके अपने नाम से लेने की कोशिश की है, जैसे ये जो कंपोजिशन मैंने आपको दी है, जो शेखर बोधकर ने भेजी है, ये वहां से ढूंढ के लेके आए हैं। वो शब्द खत्म हो गए मगर वो सारे टून वहीं की वहीं है, सारे कलाकार वहीं के वहीं है, सारे जितने भी राग हैं वो सब वहीं के वहीं हैं, जो टोटल बौद्धों की संपत्ति है। क्योंकि जो बाहर से आक्रांत आए हैं 13 बार इंडिया के अंदर, जिन्होंने आक्रमण किया है, जो घुसपैठिए हैं, जो भारत में रहते हैं या जो घुसपैठ करके आए हैं, वो अपने साथ संगीत थोड़े लेके आते हैं, वो तो लूट मार लेके आते हैं, वो तो अपराध लेके आते हैं, वो तो पाप लेके आते हैं, वो तो लालच लेके आते हैं, घृणा लेके आते हैं, हिंसा लेके आते हैं। संगीत ऐसे आदमियों के पास नहीं रहता, इसलिए आप खुल के गाइए, कम से कम 10-20-30 हजार एंट्री उसमें सभी लोगों की। गाना कैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने गाया है इससे फर्क पड़ता है। एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 एंट्रियां उसमें कीजिए, अगर आपके यार दोस्त हैं तो उनको एंट्री कीजिए। इसलिए मत कीजिए कि आपको इनाम जीतना है, इसलिए कीजिए कि एंट्रियों का एक रिकॉर्ड बनाना है कि भारत का हर बच्चा गाता है बुद्धं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इति पीसो भगवारहं सम्मा संबुद्धस्सो। ये सब आपने गाना है, लिख के मैंने एक एक शब्द आपको दे रहा हूं, ये लिखे हुए शब्द आपको बाद में मिल जाएंगे, आप इनको कॉपी कर लें और इसी के अनुसार प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। आपका स्वागत है। एसएम न्यूज आपके लिए लेकर आया है एक ऑनलाइन शो, और इस ऑनलाइन शो का नाम है एक देश एक आवाज, बुद्ध में भारत की आवाज। और यदि आप अच्छा गा सकते हैं तो आप इस ऑनलाइन शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इस ऑनलाइन शो के अंदर आपको मिलेंगे ढेरों सारे इनाम। और पहला इनाम जो है, जो पहला विजेता होगा उसको मिलेगा 10,000 कैश प्राइज, और जो दूसरा प्राइजेज है, जो द्वितीय पुरस्कार है उसको मिलेगा 5,000 का कैश प्राइजेज, और जो तृतीय पुरस्कार होगा उसको मिलेगा 3,000 रुपए का कैश प्राइज, और जो फोर्थ पोजीशंस पे आएंगे उनको मिलेगा 2,000 रुपीस का कैश प्राइज, और जो फिफ्थ पोजीशन पर आएंगे उनको मिलेगा 1,000 रुपीस का कैश प्राइज। अब युक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त आप तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के स्मृति चिन्ह साहित्य पा सकते हैं, और आपको मिलेगा साथ में सर्टिफिकेट। करना आपने सिर्फ इतना सा काम है, अपने गूगल पर जाना है, अपने यूट्यूब पर क्लिक करना है। अगर यूट्यूब आपका पहले से खुला हुआ है तो आप यूट्यूब पर लिखें एसएम न्यूज। जैसे ही आप एसएम न्यूज लिखेंगे तो आप इस तरीके से आपको एसएम न्यूज दिखाई देगा, और एसएम न्यूज को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। एक देश एक आवाज, बुद्ध में भारत की आवाज, ये आप देखेंगे आपको फ्रंट पे नजर आएगा, यहाँ पे राइटिंग पे भी नजर आएगा, और आप यहाँ पर देखेंगे ये लिंक आपको नजर आएगा, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ फॉर्म खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता, जीमेल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, नहीं तो जीमेल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। एक देश एक आवाज, बुद्ध में भारत की आवाज का ये फॉर्म है पूरा, जिसे आपने भरना पड़ेगा। आप इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ लें। ये एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है एक देश एक आवाज की, जिसका पंजीकरण 21 तारीख से शुरू हो जाएगा। जो इसकी अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, वो है 28/6/2020, पर यह फॉर्म ले जाने बंद हो जाएंगे, ये साइट अपने आप बंद हो जाएगी। प्रतियोगिता का जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा 5/7/2020 को निकलेगा, और ये सभी रिजल्ट्स आपको ऑनलाइन देखने को मिल पाएंगे। अपना नाम यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आपने फादर का ये नाम भरना है, यहाँ पर मदर का नाम भरना है, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। आप मेल फीमेल जेंडर या अन्य लिंक के अंदर आप अपना मेल फीमेल डाल सकते हैं, और वर्ग अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, या अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से हैं, या सामान्य जनरल हैं, तो आप यहां पर अपनी कैटेगरी भरें। आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं वह भी यहां पर भरें, अपनी योग्यता भरें, यहां पर जो आपकी एजुकेशन है वो यहां पर आप भरेंगे, और यहां पर आपने ऑक्यूपेशन भरना है, अपना व्यवसाय भरना है, जो भी कार्य आप करते हैं वह यहां पर भरें। यहां पर आप पत्र व्यवहार का एड्रेस डालेंगे, जो आपका पोस्टल एड्रेस है वह आप पूरा भरेंगे। यहाँ पे आप कौन से राज्य से हैं, कौन से स्टेट से हैं, आपने यहाँ पर भरना है। आप कौन सी कंट्री से हैं, इसको भी यहाँ पे आप इन्फॉर्म करें और भरें। यहाँ पर आपने अपना ईमेल भरना है, और यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ पर आपने सबसे अच्छा फोटो अपना भेजना है, और उसको जहां भी जिस ड्राइव में होगा वहां से आप इसको अटैच कर सकते हैं, और उसके बाद आप जो आपने वीडियो रिकॉर्ड करा है वह यहाँ पर अटैच कर देंगे। आप देखेंगे थोड़ी सी देर के अंदर ही ये वीडियो अपलोड हो जाता है। एसएम न्यूज की टर्म कंडीशंस को आप पढ़ लीजिएगा, नियमों को पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर जो एसएम न्यूज का है, यहाँ पे घोषणा पत्र है कि आपने सारा फॉर्म पढ़ लिया है, और यहाँ पर आप टिक मार्क करेंगे, इसके बाद सबमिट कर देंगे, फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। हम आपको बता दें कि एक पार्टिसिपेंट सिर्फ एक बार ही फॉर्म को भर सकता है। आपने त्रिशरण बुद्ध वंदना इसमें गानी है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, जिसका जो ड्यूरेशन होगा वो 3 मिनट से 5 मिनट के बीच का होना चाहिए। आप इसके अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ढोलक, ढपली, खंजरी, हारमोनियम, गिटार, तबला वगैरह जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आपका पुराना वीडियो नहीं होना चाहिए। अगर आप इस पुराना वीडियो भेजते हैं तो आपका नाम काट दिया जाएगा और इसमें आप दोबारा से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप ग्रुप में भी गा सकते हैं, अगर ग्रुप में कोई गाता है तो भी उसी एक ग्रुप को ही वो अवार्ड एक व्यक्ति विशेष को मिलेगा, चाहे वो पूरा ग्रुप ले ले।
जो 3 से 5 मिनट का समय आपको बुद्ध वंदना का गाने को दिया गया है, उसके बाद आप अपने टैग नंबर के साथ इसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को अपील कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाने को अपील कर सकते हैं, कमेंट करवाने को अपील कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रतियोगिता के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ जिसका वीडियो देखा जाएगा YouTube पर, मैं आपको दोबारा बता दूं, जिन टॉप 10 वीडियोस को सबसे ज्यादा देखा जाएगा उन 10 वीडियो में से हमारे जजेस उन 5 प्रतिभाशाली विजेताओं को चुन के निकालेंगे और वही होगा एक देश एक आवाज बुद्ध में भारत की आवाज का विजेता। सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं।
आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Time.